किस धर्म के नाम की उत्पत्ति मूल रूप से एक संस्कृत शब्द शिष्य से हुई, जिसका अर्थ अनुयायी होता है, जो केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कुछ दिन पहले। तो चलिए, मैं इसका ऑप्शन ए सिख हो गया, बी हिंदू हो गया, सी जैन हो गया और डी बौद्ध हो गया। तो आप लोग इसमें से बताना है, तो इसका आंसर ए सिख हो जाएगा। सिख धर्म से रिलेटेड जानते हैं, सिख धर्म की स्थापना किस गुरु नानक को दिया जाता है। इसका 10वां और अंतिम गुरु गोविंद सिंह था, जिसका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ। आपको बता दूं कि 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर और 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, 2020 में आयोजित किस खेल के विश्व कप में 16 वर्षीय शेफाली वर्मा ने भारत की ओर से भाग लिया। तो आपको वो 16 वर्षीय जो शेफाली वर्मा जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये हॉकी, बी कुश्ती, सी क्रिकेट और डी हो जाएगा बैडमिंटन। तो इसका आंसर क्रिकेट हो जाएगा। जो शेफाली वर्मा का जन्म 2004 में, ये हरियाणा के रहने वाली है और T20 खेलने वाली सबसे कम उम्र के प्लेयर थी। तो जो हाल ही में T20 मैच हुआ था, ये बैटिंग करता है, ऑलराउंडर के रूप में जानी जाती है शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है कि पुलेला गोपीचंद और उनके दो शिष्यों ने किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। जो मैं कुछ क्वेश्चन केबीसी के जो अभी रजिस्ट्रेशन में पूछा जा रहा है उसके उसका क्वेश्चन भी मैं कुछ डाल दिया हूँ। तो ये टेबल टेनिस, बी कुश्ती, सी टेनिस और डी हो जाएगा बैडमिंटन। तो इसका आंसर बी हो जाए, डी हो जाएगा बैडमिंटन। तो चलिए, साइना नेहवाल इसका प्रथम शिष्य था, जो 2010 में इसको मिला है, और दूसरा पीवी सिंधु को 2016 ईस्वी में, और पुलेला गोपीचंद को 2001 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 2009 ईस्वी में इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया है पुलेला गोपीचंद को, जो एक कोच के रूप में कार्य करता है और कोच को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना इनमें से किस शब्द से शुरू होती है। तो बताना है आपको, फर्स्ट है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सेकंड है सत्यमेव जयते, और थर्ड है हम भारत के लोग, और डी में है 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हम भारत के लोग। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, इनमें से किस हिंदू त्योहार में कंजक या कन्या पूजन की रस्म निभाई जाती है। जो सुशील कुमार जो पहला 5 करोड़ विजेता था उससे यह सवाल पूछा गया था। तो ए गणगौर, बी नवरात्रि, सी हरतालिका और डी अहो अष्टमी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, नवरात्रि। तो नवरात्रि के बारे में आप लोग जानते होंगे, ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जानना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है इंदिरा गांधी, थर्ड है राजीव गांधी और फोर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में तथा मृत्यु 21 मई 1991 ईस्वी में पेरम्बूर में एक बम धमाका में हो गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं, इनमें से किस देश को सुनामी लहरें का सबसे कम खतरा है। सुनामी लहरें के सबसे कम खतरा बताना है आपको, ए ऑस्ट्रेलिया हो गया, बी वियतनाम हो गया, सी दक्षिण कोरिया हो गया और डी मंगोलिया हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मंगोलिया। मंगोलिया के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं, एशिया महादेश में स्थित है। राजधानी इसका उलानबटोर तथा मुद्रा इसका तुगरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कर्ण को अंगा राजा किसने बनाया था। तो महाभारत में कर्ण को अंगा राजा किसने बनाया, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। ए धृतराष्ट्र, बी द्रोणाचार्य, सी भीष्म और डी नंबर दुर्योधन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्योधन। तो आप लोग को अच्छा से पता होगा कि जो कंपटीशन हो रही थी अर्जुन के बीच में, तो उसी समय करण को दुर्योधन ने उसे अंग देश के राजा बना दिया था। चलिए अगला प्रश्न, 1949 में स्थापित हुई किस राजनीतिक दल ने नवनिर्मित देश बांग्लादेश में सरकार बनाई थी। तो बांग्लादेश आपको ऑप्शन रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक, बी अवामी लीग, सी जातीय पार्टी और डी नंबर जमाते इस्लाम।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवामी लीग। तो बांग्लादेश स्वतंत्र 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से हुई थी, लेकिन इसका विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 से स्टार्ट हुआ। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद तथा प्रधानमंत्री इसका शेख हसीना है। तो इतना बात हम, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक है तो उसे सुभाष चंद्र बोस ने इसे स्थापना किया था। जातीय पार्टी बांग्लादेश में अभी वर्तमान में है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मोना डार्लिंग फिल्मों के किस चरित्र की साथी थी? मोना डार्लिंग एक फिल्म की चरित्र है, आपको इसमें से बताना है। ए गब्बर, बी लायन, सी मोगाम्बो और डी साकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लायन। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए केबीसी का बैक वाला अधिक से अधिक क्वेश्चन और सही जो पूछा हुआ वो लाते रहूंगा। चलिए इतना ही, धन्यवाद।